हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टेल्स बाय सिस्टर्स एंड वेलकम टू माय किचन आल्सो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरी किचन में क्या बनने वाला है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की फेमस स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसमें मटर, ये 250 ग्राम मटर है। 2 उबले हुए आलू लिए हैं, उन्हें हमने पीसेस में कट कर लिया है। और ये जिसमें हमने मटर उबाली थी उसका ये बचा हुआ पानी है, तो ये भी हमें लगेगा। ये तेल लिया है, नमक, लाल मिर्च, जीरा, ये हमने लिया है सूखा धनिया, गरम मसाला, काला नमक, खटाई, हरी मिर्च और हरा धनिया। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये तया ले लिया है, मेरे पास ये बड़ा वाला तया है जैसे कि चाट वालों के पास होता है। इसमें हमने ऑयल डाल लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ा चला दें जिससे कि हरी मिर्च जले नहीं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सूखा धनिया और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच खटाई, 2 चम्मच डालेंगे इसमें हम गरम मसाला, ये छोटी चम्मच है ध्यान रखिएगा, और इसमें हम 2 ही चम्मच डालेंगे काला नमक। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे और हमने मटर को उबालते टाइम भी इसमें नमक डाल दिया था, इसलिए जरा नमक देख के डालें। और फिर हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए आलू, और इस सबको हम एक साइड में लेके अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे मटर का पानी, और इसमें हमें पानी अभी और भी डालना होगा। पहले हम इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं, हमने ये आलू मैशर ले लिया है और उसकी हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि उससे ये अच्छी से मैश हो जाएगा। हर तरफ से आप फूले लें, और ये जो चाट होती है ये थोड़ी मैश करी हुई होती है, इसका ध्यान रखें। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और फिर से हम इसे ढंग से थोड़ा मैश करेंगे, और गैस को आप थोड़ा तेज कर लें। ये देखिए हमारी चाट अच्छे से मैश हो चुकी है और इसमें ये उबाल भी आ चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसे अपने बाउल में निकाल लेंगे अब जिसमें भी हमें करनी है। प्लीज पीछे से कोई भी आवाज हो तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये आलू भुजिया है, टमाटर है बारीक कटे हुए, बारीक कटी हुई प्याज, ये हरे धनिया की चटनी है, ये सौंठ है, ये हरी मिर्च है और हरा धनिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर, फिर उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करनी है क्योंकि ये ऐसे ही बनाई जाती है। इसके ऊपर से बढ़ते हैं टमाटर प्याज, फिर हम इसमें हरे धनिया की चटनी डालेंगे, हम इसमें फिर सौंठ डालेंगे। इसके ऊपर से हम इसे पूरा आलू भुजिया से अच्छे से कवर कर देंगे। ये जो आलू भुजिया है ये सिर्फ नमक वाली है, तो खाली जो नमक की भुजिया आती है आप लोग वो यूज करें तो इसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, और दोबारा से हम इसमें थोड़ी सी चटनी और डाल देते हैं। तो हमने डाली है सौंठ, हरी धनिया की चटनी, क्योंकि खट्टी मीठी चाट बनती है तो आप अपने हिसाब से खट्टा मीठा कर सकते हैं जिसको जैसा पसंद है, थोड़ी सी प्याज और फिर थोड़े से टमाटर। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें जिस टाइम ये बनी थी उस टाइम पे इसमें हल्दी डाल सकते थे, क्योंकि हल्दी से कलर येलो आ जाता है, मुझे चाट में हल्दी पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली थी। सो प्लीज़ इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दूसरी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को वॉच